हरियाणा सरकार के बार बार फिजिकल वेरिफिकेशन के आदेश से राइस मिल मालिक परेशान हैं। सरकार द्वारा मांगी गई 50 लाख रुपए की एफडी, मिल की मलकियत के कागजात और दो प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थानों की गारंटी देने के बाद भी परेशान किया जा रहा है। दो बार पूरे हरियाणा की राइस मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी है, तीसरी बार फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है। हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान हंस राज सिंगला ने कहा है कि सरकार की अड़चनों के कारण दिसंबर का मिलिंग का कोटा पूरा नहीं हो पाया है। हंस राज सिंगला ने पूरे प्रदेश में सरकार के चावल की मिलिंग का बहिष्कार करने की भी घोषणा की है। सरकार की गलत नीतियों के कारण मिलर के अंदर बहुत डर का माहौल बना हुआ है, जो कि हमारी 15 दिन पहले भी पीवी हुई थी, जिसमें तहसीलदार रैंक के आदमी थे, उन्होंने पीवी करी, हमारी पीवी पूरी पाई गई। अब हमारे को दोबारा 19 तारीख को दोबारा से पीवी के लिए आदेश कर रही है सरकार, और जिसमें पुलिस का दबाव, पहले भी पुलिस हमारे उन्होंने बिठाई गई, हम व्यापारी हैं, हम अपना काम इज्जत से करना चाहते हैं, किसी दबाव में हम काम नहीं करेंगे। सरकार का पीवी तो करवाएंगे नहीं, हमने सरकार को दे दिया, अब डीसी साहब को विज्ञापन देंगे पूरे हरियाणा में हर डीसी को कि हम इस मॉल में आपकी पैडी की मिलिंग नहीं करेंगे, आप अपनी पैडी को उठाएं, चावल को उठा लें हमारे से। चोर को नहीं पकड़ती, जबकि चोर उनके अधिकारी हैं जो हमारे से दो दो किलो सोने की पहले भी डिमांड कर चुके हैं, और जो हम उनकी जेब पूरी भरने में असमर्थ हो गए, तो अब उन्होंने अपने जो लीडर हैं लीडरों को बका दिया, और लीडर वो हमारे पीछे डंडा लेके लग गए हैं, उन्होंने पुलिस हमारे पीछे लगा दी है। आज के बाद हम कोई मिलिंग नहीं करेंगे, और 18 तारीख से हम चावल की कोई डिलीवरी नहीं देंगे पूरे हरियाणा में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। राइस मिलर्स की परेशानी के संबंध में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।